तक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये ऑन द फील्ड हुआ करते थे तो उस वक्त इनको कहा जाता था मर्द बहरान, और ऑफ द फील्ड मैंने काफ़ी अरसे बाद इनको देखा है तो ये आज भी खूबरू नौजवान है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यूनुस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और वक्त देने के लिए। सर सबसे पहला सवाल मेरे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, इतने साल गुजर गए सर, हाउ आर यू कीपिंग अप विद दिस फिटनेस? देखिए मेरे ख्याल से मैं स्पोर्ट्स एक पर्सन रहा, टॉप का स्पोर्ट्समैन रहा पाकिस्तान के लिए, तो मुझे मुझ पर बड़ा प्रेशर है आज भी। जैसे जो मैं जब फील्ड में होता था दोस्तों मुझे प्रेशर होता था कि परफॉर्म करना ही करना है, कोई करे ना करे यूनुस खान ने परफॉर्म करना ही करना है। तो आज भी मुझ पर ये होता है कि मुझे कोई फिट होना हो मुझे फिट रहना है, तो ये एक प्रेशर होता है जो मैं पिछले 20 साल से लेकर चल रहा हूँ और इस वजह से मैं फिट हूँ। इसमें सर कुछ टिप्स मुझे भी बाद में दे दीजिएगा इंटरव्यू के बाद। इस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पर आए कितना सपोर्ट करते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे स्पोर्ट्स का, और ना सिर्फ क्रिकेट का डिफरेंट स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान के अंदर वापस आना और उनको फ़रोग पाना कितना ज़रूरी है और कितना जो है फ़ायदेमंद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं अपने एरा में जाऊँ तो उस वक्त स्कूल की क्रिकेट, कॉलेज जैसी क्रिकेट और फिर यूनिवर्सिटी की क्रिकेट और स्पोर्ट्स होती थी और रेगुलर बेस जो पैटर्न पे होती थी। आज मैं देखता हूँ कि वो ना वो कॉलेज की स्पोर्ट्स होते हैं, ना वो स्कूल्स के होते हैं और ना ही यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। तो हमारे पास एक लिवरेज थी कि हम बिज़ी रहते थे, ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं थे, हम पढ़ते भी थे, लेकिन साथ में एक जो आपके पास एक ब्रीजिंग स्पेस होता था, एक मौका होता था, वो हमें स्पोर्ट्स के थ्रू मिलता था। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा वो एक ट्रेन दोबारा वो शुरू हो गया कि अब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद क्लब की क्रिकेट और क्लब की स्पोर्ट दोबारा शुरू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रमोट करें, और इसीलिए मैं आपने मुझे देखा हो कि मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ मैं छोटे लेवल पे ज़रूर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से या मैं मोटिवेट कर सकें और बाकी मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ इसी से। सर मुझे आप ये बताइएगा कि कितनी खुशी है आपको कि PSL पूरा का पूरा पाकिस्तान दाखिल मुंतकिल हो चुका है और यकीनी तौर पर पेशावर दल में से आपका भी ताल्लुक रहा है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है PSL से? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इसकी वजह है कि ठीक है 2 से 3 साल तो अगर हम देखें तो कुछ मैचेस होते थे पाकिस्तान में। अब बड़ा ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए, पूरे स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि जब PSL जैसे इवेंट पाकिस्तान में होंगे जो कि आपके अपने इवेंट्स हैं तो उससे फिर एक रैपो बनती है, तो हमारे लिए हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिर्फ PCB पे नहीं है, सिर्फ फ्रेंचाइज पे नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे के वो आए सपोर्ट करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। और दूसरी बिग न्यूज़ ये कि मैं पेशावर जलमी के साथ इस दफ़ा नहीं हूँ। तो आप अभी डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं कि किसके साथ हैं या है ही नहीं इस साल? नहीं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पेशावर जलमी के साथ इस साल नहीं हूँ। तो यानी आप बाकी चीज़ें जो है आपने एक्सपेक्टेटर्स के ऊपर छोड़ दिए कि वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें? कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग। तो ग्राउंड में तो नजर नहीं आने वाले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बेस्ट विशेज है PCB के लिए और PSL के लिए कि आई होप कि जो हम इससे अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव करें हम लोग। सर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सामने खड़ा है, किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो बांग्लादेश से हमारे मैचेस थे, कैसी परफॉर्मेंस थी, कितना जो है आप समझ रहे हैं कि हमें ज़रूरत है किन प्लेयर्स की और कितना मुतमईन पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी से? मेरे ख्याल से हमारे पास प्लेयर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बात है और एप्लीकेशन की बात है। अगर हम देखें तो इस वक्त हम टॉप रैंकिंग में मौजूद है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैरी ऑन करें और कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जाए जिसकी वजह से टीम थोड़ी लेट डाउन हो। तो मेरे ख्याल से ये आप अपने ऊपर होते हैं और जो जिस तरह के प्लेयर खेल रहे हैं और जिस तरह की हमारी टीम T20 की टीम लग रही है, आई होप कि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाएंगे। और इस वक्त जो PSL इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है, ड्राफ्ट आपने देखा होगा, किस टीम के साथ आपकी एफिलिएशन का तो सवाल हम अलग रखते हैं, लेकिन किस टीम से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कौन सी टीम आप समझ रहे हैं कि ये टीम है जो कि ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग है? देखिए हमारी हम सब की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जिससे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे साल से, हम भी बड़ा जो है ना सैड फील करते हैं, और जब जब हम पिछले तीन PSL में मैं एडिशन में मैं पेशावर जलमी के साथ रहा तो हमेशा राणा साहब के साथ जाके हम बड़ी हारमेजी होती, तो मेरी आई होप कि लाहौर कलंदर आगे जाए, फाइनल्स तक जाए और वंडर्स करें। तो उसी हमदर्दी की वजह से आप लाहौर कलंदर के साथ तो नहीं जाने वाले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी दो टीम्स एलिमिनेट हो गई हैं, ना आप लाहौर कलंदर के पास हैं ना पेशावर के पास हैं, अभी अगर मैंने 5-6 सवाल और किए तो मैं इंशाल्लाह आखिर तक ले ही आऊँगा। तो क्या तो आपने अभी तक आप लाहौर कलंदर से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे तक जाएगी? बिल्कुल मेरी बेस्ट विशेज है उनके लिए, क्योंकि ये वो एक ऐसी टीम थी जो हर साल बड़ी अच्छी बनती है और हम सबको लगता है कि ये आगे जाएगी, लेकिन उनकी बैड लक होती है वो पहले राउंड से बाहर हो जाए। आई होप कि वो पहले राउंड से बाहर ना जाए और फाइनल्स तक जाए।
अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त सरफराज अहमद की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए, सरफराज जैसे सीनियर प्लेयर जो कि रिसेंट पास में कैप्टन रहे और उनकी वजह से हम अगर देखें तो पाकिस्तान टीम ने बड़े वंडर्स किए। अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी को देख लें, वो एक ऐसा चैम्पियन ट्रॉफी थी, एक ऐसा इवेंट था, एक ऐसा हमारे पास एक ब्रीदिंग स्पेस था कि उससे पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेंज हुई। उसके बाद अगर हम T20 की बात कर लें तो पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से टॉप रैंकिंग में जी, तो सरफराज अहमद की जगह बनती है और आई होप कि बहुत जल्द वो टीम होंगे। सर, आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इसके अलावा इनके पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने जो है इन बच्चों पे ट्रस्ट किया है और जो है अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया है स्पोर्ट्स के अंदर, खास तौर पे जो यहाँ पे एलकॉट मैनेजमेंट जो पूरी मैनेजमेंट है यहाँ पर, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और इनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर के लिए तो बड़ा सिंपल सा एक मैसेज है जो हमेशा मैं भी सुनता था, जो मेरे सीनियर्स होते थे, जो मेरे टीचर्स होते थे, जो मेरे कोचेज होते थे, कि टाइम को ज़ाया ना करें। देखिए, जितने भी अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, तो मेक श्योर करें वो जो 3-4 घंटे हैं आप उसको उससे कुछ अचीव करने की कोशिश करो। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो देखिए, पेरेंट का बहुत ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि मेरे खुद अपने बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका मोटिवेटर बनूँ और उनको सपोर्ट करूँ, उनको इनकरेज कर सकूँ। तो पेरेंट्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर को प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच यूनुस भाई फॉर योर टाइम, इट मीन्स अ लॉट। मुझे बस टाइम नहीं है, वरना मैं यकीन करें मैं पता करवा लेता आप कौन सी टीम से हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप टीम सेलेक्ट हुई है उसका भी हिस्सा है, मुनीबा अली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मुनीबा, मैं आपसे इस इवेंट के हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि कितना हेल्दी इवेंट आप ये समझती हैं, कितना ज़रूरी है इस तरीके के इवेंट्स का इनेकाद करवाना? ऑब्वियसली स्कूल और कॉलेज लेवल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इनिशिएटिव लेना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में भी स्पोर्ट्स की एंथुजियाज्म हो और वो लोग भी स्पोर्ट्स को अपना एक प्रोफेशन चूज़ करें। तो इस तरह के हेल्दी कॉम्पिटिशन एक अच्छा इन्वायरमेंट भी कैरी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पर जितना मौका मेंस को फराहम किया गया था उतना ही विमेन को ये मौका भी फराहम किया गया था, तो कितना ज़रूरी है कि हमारी जो खातीन हैं उनको भी शामिल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स के अंदर? जी बिल्कुल, जैसे अभी रिसेंटली इतने होते नहीं हैं तो इतनी वुमेंस आती नहीं, जितने अगर आप मेल देखें तो मेल डोमिनेंट ज़्यादा है स्पोर्ट्स भी, तो जितनी ज़्यादा वुमेंस को भी मौके मिलेंगे स्कूल कॉलेज लेवल्स पे बचपन से ही उस तरह से खेलेंगे तो उनका भी शौक़ ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के इवेंट हमें किस किस लेवल पर करवाने चाहिए और कितने इकदाम हमें करने चाहिए? बिल्कुल, स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल तक मेंस के तो होते हैं, तो फीमेल्स के भी ज़रूर होने चाहिए और हर स्पोर्ट्स होना चाहिए ताकि उनका जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी हो उनको उसमें आगे बढ़ें। अगर मैं आपसे पूछूं, बतौर क्रिकेटर एक रोल मॉडल हैं आप, जो बाकी जो लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, कोई दूसरा क्रिकेट परसू करना चाहती हैं, तो पहले तो ये बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन था जिसको देख के आपने ऐसा परसू किया? मेरा बचपन से ही फेवरेट कुमार संगकारा थे, मुझे उनकी बैटिंग बहुत स्टाइलिश लगती थी, तो बस यही कोशिश करती कि उनकी तरह खेलूं। खैर, अब तो वैसे नहीं खेलती, लेकिन कोशिश यही होती है कि उनकी तरह कवर ड्राइव मारूं। तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो कौन सा पॉइंट था जिस पर आपने सोचा कि अब मुझे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करनी है और क्रिकेट जैसे मुश्किल गेम में जिसका स्कोप पाकिस्तान के अंदर काफ़ी महदूद है, कब ये फैसला किया कि अब ये काम तो करना ही है? बस जब मैं आई थी अंडर-19 लेवल में, उसके बाद मैंने देखा कि मैं खेल सकती हूँ आगे, तो मैंने सोचा मैं इसमें ज़्यादा मेहनत करूँ, तो मैं बस मेहनत ही करती रही थी, तो अपॉर्चुनिटीज आती रही और ग्रैब करती गई, तो स्टेप बाय स्टेप खेलती रही। अच्छा, ये एक सटल रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो मेंस को भी सपोर्ट नहीं करते, बतौर वुमेन कितना मुश्किल था और किसने कितना सपोर्ट किया? बिल्कुल, मेरे घर से तो बहुत इजाज़त थी, बहुत सी लड़कियों को नहीं मिल पाती, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया और वो वैसे मुझे किसी भी चीज़ का मना नहीं करती थी, तो जब मैंने क्रिकेट का बोला तो उन्होंने उसमें भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी खुद से कि आप कितना किस तरह का किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, जैसे हमारे कोच और कैप्टन मुझे बोलेंगे, जिस जो मेरा रोल होगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करूँगी। मुनीबा, कोई मैसेज जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो किसी भी स्पोर्ट्स को परसू करना चाहते हैं? जिस स्पोर्ट्स में आपको लगे कि आपके अंदर टैलेंट है उसमें ज़रूर जाना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि उसमें आप एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल चूज़ करना चाहिए स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन। थैंक यू सो मच मुनीबा फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की विमेन प्लेयर
मुनीबा अली। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का एक और रोशन सितारा मौजूद है और उनका नाम है उमैमा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। उमैमा, इस इवेंट के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कितना पॉजिटिव देखती हैं आप इस तरीके के इवेंट को और कितना ज़रूरी समझती हैं इस तरह के इवेंट्स का मुनक्किद किया जाना? अच्छी बात है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि होने भी चाहिए। जितने इवेंट्स होंगे उतना लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उतने क्रिकेटर्स सामने आएंगे या बाकी और भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सब सामने आएंगे और टैलेंट भी आगे बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत अच्छा है कि इस तरह के होने, और जो करवाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि ये इसको प्रमोट करते हैं और आगे भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से हमने इस इवेंट के अंदर देखा, अगर हम पहले दिन से इस इवेंट को फॉलो करें तो एक कहा जाए कि एक इक्वालिटी के साथ विमेन को भी अपॉर्चुनिटी फराहम की गई थी, तो कितना ज़रूरी है कि लड़कियों को भी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर आगे लेकर आया जाए? पहले के बनिस्बत अगर देखा जाए तो वुमेंस को इतना मद्देनज़र रखते नहीं थे और इतना उन पर नज़र भी नहीं डालते थे, लेकिन अब यह है कि अब वुमेंस प्रमोट हो रही हैं, क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो या स्कॉच की गेम हो, उसमें अब थोड़ा लड़कियों को भी करते हैं प्रमोट। ये कि इस तरह से आगे भी करना चाहिए और करते ही रहें। कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों का स्पोर्ट्स के अंदर आना और इस फील्ड को भी जो है एक स्कोप देना? इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि बहुत ऐसा टैलेंट है जो अभी तक घर में है लेकिन पेरेंट्स उनको आने नहीं देते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को बाहर निकलने दें, उनके साथ जाएं, उनको जितना सपोर्ट करेंगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि शौक होता है लड़कियों में लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से आ नहीं पाती। तो मैं उन पेरेंट्स को कहूँगी उन्हें सपोर्ट करें, जितनी उन्हें सपोर्ट मिलेगी उतना अच्छा है। थोड़ा सा आपसे आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ का जहाँ पर आपने फैसला किया कि उमैमा सुहेल को एक क्रिकेटर बनना है? वैसे तो मेरा शौक बचपन से ही क्रिकेटर का ही था, मैं गली में खेलती थी बॉयज़ के साथ। कितनी बार उनको हराया आपने? बहुत दफ़ा, बहुत छक्के भी लगाए और सब बॉयज़ अपनी टीम में लेने के लिए मुझे करते थे। और माशाल्लाह से सर मेरे साथ होते थे, स्कूल के मेरे पीटी टीचर हैं सर मुशर्रफ, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी अकेडमी में सब इस्टेब्लिश किया, बनाया, सारी मेरी गेम उन्होंने ही बनवाई और फिर आगे मुझे जितना हो सका उन्होंने मुझे आगे सपोर्ट किया। तो आप कैसा देख रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपका कमबैक हो चुका है और कमबैक भी ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, कितना तैयार है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्लास टीम से मुकाबला करने के लिए? तैयारी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हमारा अभी कैंप भी लगा हुआ है, 7 दिन का हमारा कैंप लगा है, उसमें हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम डे नाइट मैचेस भी खेलने, क्योंकि वहाँ पर हमारे नाइट मैचेस भी हैं। तो ये है कि हम बहुत होपफुली इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। कौन था वो प्लेयर जिसको देख के उमैमा सुहेल ने कहा था कि मुझे एक दिन क्रिकेटर बनना है और उसकी तरह बनना है? उस टाइम जावेद मियांदाद का वो छक्का, जिसकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आगे मैं भी इस तरह के मैचेस जितवाऊँ। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उमैमा सुहेल को अपना रोल मॉडल देंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, जो वुमेन क्रिकेट टीम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ बढ़े और नए से नए टैलेंट सामने आए। थैंक यू सो मच उमैमा फॉर योर टाइम, इट मींस अ लॉट टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।